हे गाइस, हाय, हेलो, हाउ आर यू। मैं आज से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे होता है मेरा डेली रूटीन। आज तो मैं 10:30 बजे उठी हूँ सोकर, क्योंकि रात में थोड़ी देर तक मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी और अभी मैं चाय बना रही हूँ। आप देख सकते हो ये दूध गर्म हो रहा है, चाय बना रही हूँ। एक्चुअली गैस काफ़ी गंदी हो गई है तो उसे प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि सफाई करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। जब हम काम करेंगे तो काम करेंगे तो ऑब्वियसली गंदा भी होगा, तो ये है। तो ये जो है ब्लॉग आज मैं शुरू कर रही हूँ। तो उठी हूँ मैं और चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ और चाय बन रही है इवन, और इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। तो अब मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, मैं किस चीज़ से रिकॉर्डिंग करती हूँ। और मैंने भी एक नया सिस्टम मंगवाया है रिकॉर्डिंग का, इन्हों इतना अच्छा है कि मतलब पूछे मत। और मेरे काफ़ी काम हो रहे हैं। ये है मेरा वो एरिया कॉलोनी का जहाँ मैं रहती हूँ, ये पहाड़ का इलाका है तो यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं। आपको बताऊँ एक इंसिडेंट, जब मैं यहाँ पहली बार आई तो मैंने ऑब्वियसली गेट बंद था तो मैं बहुत खुश थी, कितना अच्छा इलाका है यू नो। और एक दिन क्या हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप ऊपर खिड़की देख रहे हैं ना, ये वाली सबसे ऊपर की तरफ जो दिख रहे तीन, यहाँ मुझे ये इस खिड़की का एक राज है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि किचन में मतलब जैसी मैं आई थी, उसके दूसरे तीसरे दिन की बात है, बाहर तो मैंने बंदर काफ़ी देखे थे लेकिन मैंने घर पे बंदर नहीं, मतलब घर के अंदर बंदर नहीं देखे थे, लेकिन मेरे किचन के अंदर यहाँ पर सामान रखा हुआ था मैंने घर का मंगवा के, जो अपना डेली रूटीन का वर्क सामान होता है, वो पूरा सामान एक बंदर था कम इस किचन के अंदर, और सारे दरवाजे बंद थे लेकिन बंदर अंदर आ चुका था। मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर ये आया वहाँ से बंदर। चाय फैल गई मेरी बातों बातों में। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि बंदर आया तो आया कहाँ से। तो मुझे मालूम चला कि बंदर कहाँ से आया, मुझे पता चला कि बंदर जो है वो ऊपर वाली खिड़की से आया, क्योंकि जब मैं वहाँ से अपने मेन कमरे से, मुझे ऐसा लगा कि किचन में ना कोई हल्की सी खटर पटर हो रही है, मगर क्यों हो रही है ये नहीं पता चला, क्योंकि भाई मैं तो अकेली हूँ तो कमरे में या घर में किचन में खटर पटर कहाँ से हो रही है। तो फाइनली हुआ ये कि मैंने जब ये गेट खोला, हल्का सा अपना ये गेट ऐसे खोल के मैंने उसे झाँका थोड़ा सा ऐसे करके, तो मुझे ऐसा लगा कि किचन में कोई है। तो मैंने डर के मारे सोचा क्या करूं क्या करूं, तो मैंने हल्का सा डंडा रखा था, तो मैंने डंडा उठाया धीरे से, टक 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 किया, पहले तो वो मुझे ही डराने लगा उधर से झांक झांक के। उसके बाद पता नहीं कैसे मैंने सोचा चलो अब जो करना है कर लेने दो, मैंने बंद कर लिया। मैंने सोचा किसी को बुलाती हूँ, किसी यू नो कैसे चप्पल उसको बुलाती हूँ गेट कीपर वगैरह को। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बंद कर लिया, थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि वो बंदर जो है ऊपर वाली खिड़की की तरफ से निकल कर भाग गया। ऐसे उसने 3 बार किया, मतलब पूरे हर सुबह शाम में ऐसा करता था, शाम में नहीं लेकिन हाँ मॉर्निंग में जब यहाँ से वो निकलते थे तो वो यहाँ अंदर घुस जाता था और वो इस तरह ही करता था। तो ये एक बड़ी अजीब सी घटना थी। तो फिर मैंने उसमें, आप देख सकते हैं, मैंने उसमें जाल लगवा दिया है काफ़ी मोटा सा, तो भी नहीं आता है। खैर ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन फ़िलहाल मैं चाय बन गई है, मैं चाय पीने जा रही हूँ और आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो फाइनली मेरे चाय जो है वो बन गई है, मैं काफ़ी बड़ा कप चाय का पीती हूँ, आप देख सकते हैं कोई नकली नहीं है, ये रियल चाय है। और क्या चाय बन गई है मैंने, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा वो रिकॉर्डिंग सिस्टम जिससे मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक ये एक पूरा स्टैंड है, आप देख रहे हैं स्टैंड है ये, और ये स्टैंड यहाँ पर कसा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आपको दिख रहा होगा ये इससे से इसके अंदर टेबल पर कस गया है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मेरा यू नो रिकॉर्डिंग सिस्टम का, थोड़ा सामान पीछे गिरा हुआ है आप ध्यान ना दें। तो ये जो है स्टैंड है, और ये जो स्टैंड है ये कसा हुआ है, इस स्टैंड कसा हुआ है आप देख रहे हैं, पेंच कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अटैचमेंट है इसका, और काफ़ी अच्छे से कसा हुआ है, बिल्कुल टाइट है एकदम। और ये पूरा स्टैंड है आप देख रहे हैं, और इस स्टैंड में एक कंडेंसर माइक है, और ये माइक का भी एक पूरा सेटअप है, ये माइक का देख रहे हैं आप, इसमें माइक पूरा फंसा हुआ है, और ये कंडेंसर माइक है।
और ये जो पोर्ट है ये यहाँ से भी यूएसबी है, और ये जो कंप्यूटर में लगी है ये यहाँ से भी यूएसबी पोर्ट में ही लगी हुई है। और इसके साथ साथ दो फिल्टर मिले हुए हैं। एक फ़िल्टर तो आप ये देख सकते हैं, ये जो एक फ़िल्टर है पूरा ये फ़िल्टर ही है, पॉपअप फ़िल्टर जिसे कह सकते हैं, ये इसके अंदर चला जाता है। और है ना, मेरी वॉइस एक्चुअली थोड़ा धीमे हो जाती है इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ इसे। और एक ये पॉपअप फ़िल्टर है, ठीक है। तो ये भी पूरा अटैचमेंट है सारा, और ये अटैचमेंट है, तो ये बहुत अच्छा हेडसेट है। और ये मेरा अपने डेस्कटॉप के साथ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे कंप्यूटर है, पानी की बॉटल है, थायराइड की एक दवाई है, चाय है, और एक फ़िल्टर है, और एक माइक है, और दो मेरे पास छोटे से मॉनिटर हैं अभी। हालांकि मॉनिटर अच्छे नहीं है, मैं मॉनिटर भी चेंज करूंगी। तो ये एक सिस्टम है मेरा ऑडियो का जिस पे मैं करती हूँ। अब ये सिस्टम कैसे है, कहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इजीली ख़रीद पाएँ। और बहुत सस्ता है, मैंने 3000 का ख़रीदा था इसे सेटअप को, लेकिन अभी जो मार्केट में इसका जो रेट आ रहा है वो 2400 रुपये है। तो अगर आप पॉडकास्ट बनाते हैं और चाहते हैं पॉडकास्ट करना, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी पॉडकास्ट की, मैंने खबरी ऐप बताया था, पॉकेट एफएम बताया था, कुकू एफएम बताया था, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप पॉडकास्ट कर सकते हैं जिन पर, तो वो सारे मैंने आपको बताए थे। अगर आप करना चाहें तो आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसके थ्रू आप कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर वॉइस ओवर करना चाहते हैं, और तो आप आराम से कर सकते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो फिलहाल क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में मैं आपको ऑब्वियसली घर की डेली रूटीन तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन और ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको अपनी डेली रूटीन के छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती चलूंगी, और आपको वॉइस ओवर और रेडियो से जुड़े जितने भी टिप्स हो सकते हैं, हल्के फुल्के छोटे बुटे जो डेली रूटीन में हम करते हैं, मैं वो भी बताती चलूँगी। तो आई होप कि हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, और मेरा ये सिस्टम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन हो कि इसके बारे में आप बहुत जानना चाहते हैं, कैसे ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है, और दिखाएं इसका पूरा बॉक्स मैं दिखाऊं आपको, एक एक चीज़ अटैचमेंट दिखाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज डालिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू।